Good morning, my dear students. I hope you all are well. Today we are going to start chapter 1st of class 6th subject science. The name of the chapter is food. Where does it come from? Food के बारे में हम सब जानते हैं. Food के बिना हमारा दिन नहीं गुजरता. ठीक है, food से हमें energy मिलती है. Food क्या है? ऐसा substance है जिससे हमें क्या मिलती है? Energy मिलती है. ठीक है, अब आता है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. वैरायटी ऑफ फूड क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल क्या है, फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एंड फूड चेन, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले फूड होता क्या है. फूड क्या है? केमिकल सब्सटेंस है. केमिकल क्या है? ठीक है, केमिकल सब्सटेंस जो किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स. कहते हैं ना कि हमारे ये वाला, मम्मी कहती है कि पालक खाना चाहिए, इससे आपको क्या मिलता है? विटामिंस मिलते हैं. ठीक है, दूध पीना चाहिए, इससे आपको प्रोटीन मिलता है. और खाना ये चपाती खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं. फैट, अगर कोई पतला है तो उसको फैटी प्रोडक्ट्स खिलाते हैं जिससे वो थोड़ा सा हेल्दी बन सके. तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं. खाना नहीं खाएंगे तो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. ठीक है, अब ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं. इनटेक मतलब अंदर लेते हैं और जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हमारा डेवलपमेंट होता है. वो प्रोसेस ठीक है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंस हैं. जबकि न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम फूड को इनटेक करते हैं. ठीक है, अब आता है हमें फूड क्यों चाहिए. क्यों चाहिए हमें फूड? हमें एनर्जी लेने के लिए फूड चाहिए. हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. हमारी बॉडी रिपेयर हो सके, जैसे आपको यहाँ पर चोट लग गई. ठीक है, आपको कभी भी चोट लग जाती है, आप देखते हैं कि खून बाहर आता है, ब्लड बाहर आता है और फिर थोड़े टाइम बाद वो क्लॉट हो जाता है. ठीक है, तो क्लॉट हो रहा है इसका मतलब बॉडी अपने आप को क्या कर रही है? रिपेयर कर रही है. ठीक है, मेंटेनेंस. हमारी बॉडी में इस तरीके की इंजरी, हमारी इंटरनल इंजरी भी हो जाती है लेकिन हमारी बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है. वो किसकी वजह से? जस्ट क्योंकि वी आर टेकिंग फूड. हम खाना खा रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, जिससे कि वो हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके, हील कर सके. ठीक है, अब आता है फूड क्यों चाहिए. फाइटिंग डिजीजेज. अगर हमें आपको पता है, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है तो कहते हैं ना 3 दिन बाद आपका कोल्ड अपने आप ठीक हो जाता है, अगर वो कोरोना नहीं हो तो. ठीक है, तो हमारा जो कोल्ड है वो अपने आप ठीक क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि जो डिजीजेज रहती हैं उनसे फाइट करती है. लेकिन फाइट करने के लिए भी एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी. ठीक है, तो फूड हमें क्यों चाहिए? फाइटिंग डिजीजेज, डिजीज से फाइट करने के लिए भी हमें फूड चाहिए. उसके बाद आता है रेगुलेटिंग ऑल द बॉडी फंक्शन. लाइक हम सांस ले रहे हैं, हमारा डाइजेशन हो रहा है. ठीक है, रिप्रोडक्शन है, बहुत सारे बॉडी के प्रोसेस हैं जो कि जिसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और ये सब हमें कहाँ से चाहिए? ये सब हमें चाहिए फूड से. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फूड क्या होता है और फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी ऑफ फूड. वैरायटी ऑफ फूड आप सब जानते हैं, हमारी चॉइस के ऊपर जो डिपेंड करता है वो क्या है? वैरायटी ऑफ फूड. लाइक आपके पास थाली है एक. ठीक है, जब हम कहाँ जाते हैं? बुफे में जाते हैं किसी के यहाँ पर डिनर के लिए, तो हमारे पास एक थाली है जिसमें दाल है, चावल है, चपाती है, पनीर की सब्जी है, रायता है. ठीक है, और दूसरा आपका जो थाली है उसके अंदर क्या है? पिज्ज़ा रखा हुआ है, बर्गर और सैंडविचेस, पास्ता. तो ये क्या है? वैरायटी ऑफ फूड. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इज़ नॉन एज वैरायटी ऑफ फूड. ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, आपकी हैबिट के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी टेस्ट. लाइफ स्टाइल कैसे? जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है कि हमें ऐसा फूड चाहिए जो कि हमें सिर्फ प्रोटीन दे, जिससे कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो. ठीक है, लेकिन हमारा फैट नहीं बढ़े, तो ये हमारी लाइफ स्टाइल हो गई. तो हम ऐसा फूड चूज़ करेंगे जिससे कि हमें सिर्फ प्रोटीन मिले, फैट नहीं मिले. तो वो लाइफ स्टाइल टेस्ट
हमें हेल्दी फूड नहीं खाना, हमें किससे मतलब है, टेस्ट से मतलब, लाइक पिज़्ज़ा, ठीक है, हम सबको पसंद है पिज़्ज़ा, लेकिन दैट इज़ नॉट हेल्दी फूड, ठीक है। हेल्दी फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है, दलिया आता है, राजमा आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस आती हैं, ये सब क्या है, हेल्दी फूड। लेकिन अगर हम टेस्ट की बात करें तो पिज़्ज़ा जो है वो टेस्टी लगता है हमें, तो हमारी वेराइटी, हमारा फूड की चॉइस जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, हम रहते कहाँ पर हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, लेकिन अगर हमें सी फूड चाहिए तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है कि किस तरीके का फूड यहाँ पर अवेलेबल होगा, जगह, ठीक है। जैसे कि आप अगर कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, जिस जहाँ पर समुद्र है, तो वहाँ पर सी फूड आपको ज़्यादा मिलेगा, फिशेज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और फिशेज़ एंड राइस, लाइक कलकत्ता की बात करें तो वहाँ पर यही मिलता है, वहाँ पर चपाती बहुत कम खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर गेहूँ अच्छे से होता है, इसलिए हम यहाँ पर गेहूँ खाते हैं, चपाती खाते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी डिपेंड करता है वेराइटी ऑफ फूड पर। अब आता है, हम जो भी खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, सिंपल सी बात है, सोर्सेस क्या हैं उसका, कहाँ से मिल रहा है हमें, दो ही सोर्सेस हैं, ठीक है, खाने के हमारे, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, ठीक है। अब आता है जो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट में क्या आएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इन सब को जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियन। और जो प्लांट्स प्रोडक्ट के अलावा भी क्या खाते हैं, मीट, एग और एनिमल प्रोडक्ट, उनको खाते हैं, वो क्या किस में आते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, ठीक है। तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो सब आपको आपकी बुक में दे रखा है, देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस दे रखी हैं, ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये सब कौन खाते हैं, वेजिटेरियन। अब आते हैं नॉन वेजिटेरियन में, वो क्या है, क्या क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, नॉन वेजिटेरियन में। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज, अब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड की अगर हम बात करें, लाइक वैरायटी की हम बात करें, तो कहते हैं ना, तुम्हें कौन सा फूड पसंद है, मुझे साउथ इंडियन फूड पसंद है, ठीक है, मुझे गुजराती फूड पसंद है, गुजराती में ढोकला, खाकरा, फाफड़ा, ये सब आता है, ठीक है, और राजस्थानी फूड में दाल बाटी चूरमा आ गया, पंजाबी फूड में छोले कुलचे आ गए, तो ये सब क्या है, वैरायटी ऑफ फूड है। बंगाली फूड में स्वीट डिशेस जो होती हैं वो बंगाल से आती है, और कोस्टल एरिया सी फूड भी आता है बंगाल में, तो ये सब कहाँ से, कैसे ये बंगाली फूड, राजस्थानी फूड और ये साउथ इंडियन फूड, ये कैसे आया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वहाँ से हमारी ये वैरायटी आई है, ठीक है, जिसका हम नाम रखा गया है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स, कोई डिश जिस भी चीज़ से मिलकर बनी होती है वो सब क्या कहलाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। अब जैसे कि आप चाय बना रहे हैं, तो चाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, जिंजर चाहिए या कार्डमम चाहिए, ठीक है, ये सब क्या है कि चाय बनाने के लिए आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सब क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तो ये इसमें क्या क्या आया, जो हम जनरली जो डिशेस बनाते हैं उन सब में क्या क्या आएगा, वाटर, सॉल्ट, शुगर, मिल्क, स्पाइसेस, ये सब क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। अब आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हमें कहाँ से मिलता है, दो ही सोर्सेज हैं, पहले बता चुकी हूँ, नंबर वन प्लांट्स और नंबर टू एनिमल्स। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्रॉपर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। अब आता है कल हमारा टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो हमारा फूड का एक सोर्स है, ठीक है, उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम, और आप प्रॉपर जो भी आज हमने वीडियो में पढ़ा उसको आप अपनी बुक के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।